प्यारे बच्चों, बृहन मुंबई महानगर पालिका शिक्षण विभाग की जानिब से मैं पटेल रोशन आरानवर हुसैन MCGM वर्चुअल क्लास में आप सबका इस्तकबाल करती हूँ, खैर मकदम करती हूँ। तो आइए चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। प्यारे बच्चों, ऑनलाइन एजुकेशन में आप सबका इस्तकबाल है, खैर मकदम है। स्कूलें बंद हैं लेकिन पढ़ाई का सिलसिला जारी है। आज हम उर्दू बाल भारती जमात पंजुम का एक सबक पढ़ने वाले हैं, जिसमें मछली ही की तरह एक समंदरी जानवर है जो इंसानों से बहुत मानूस है। तो आइए शुरू करते हैं। उन्वान है डॉल्फिन, इसकी मुसन्नफा है डॉक्टर कमर शरीफ। उनकी पैदाइश 2 अक्टूबर सन 1947 ईस्वी है। डॉक्टर कमर शरीफ औरंगाबाद के एक मशहूर तालीमी इदारे से वाबस्ता रही हैं। उन्होंने साइंस में डॉक्टरेट की डिग्री हासिल की है। साइंस और तालीम व तदरीस से मुतालिक उनके कई मजामीन ऑल इंडिया रेडियो से नशर हो चुके हैं। डॉल्फिन समंदर के मछली नुमा बड़े जानवरों में से एक है। इस सबक में डॉल्फिन की बनावट और उसकी आदतों से मुतालिक मालूमात दी गई है, साथ ही इंसानों के साथ उसकी दोस्ती और हमदर्दी के मुख्तलिफ वाक़यात बयान किए गए हैं। प्यारे बच्चों, हम आगे हम चलते हैं। आम तौर पर हर जानवर ये कोशिश करता है कि इंसानों से बचकर रहे। मछली के बारे में मशहूर है कि वो इंसानों की बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है, लेकिन मछली ही की तरह एक समंदरी जानवर ऐसा भी है जो इंसानों से नहीं डरता और ना दूर भागने की कोशिश करता है। जी हाँ, वो है डॉल्फिन। डॉल्फिन दूध पिलाने वाला एक समंदरी जानवर है। उसकी लंबाई 6 से 12 फीट तक होती है और वजन 650 किलोग्राम होता है। उसकी पीठ मटियाली सब्ज और सिया रंग की होती है, जबकि पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। आप तस्वीर में देख सकते हैं, उसके पेट का रंग सफ़ेद या हल्का गुलाबी होता है। ये 30 मील फी घंटा की रफ्तार से तैरती है। कभी इसकी रफ्तार 40 ता 60 मील फी घंटा भी हो जाती है। डॉल्फिन के जिस्म पर बाल नहीं होते। उसकी जिल्द चिकनी होती है, जबड़े बड़े और सामने चोंच की तरह 3 इंच लंबी थोथनी होती है। थोथनी का मतलब क्या होता है? उसके मानी है आगे निकला हुआ मुंह, जो आप तस्वीर में देख सकते हैं। डॉल्फिन अपने सर के एक सुराख से सांस लेती है। उसकी आंखें सर के दोनों जानिब पाई जाती हैं। डॉल्फिन की नज़र बहुत तेज होती है। आंखों के पीछे बैरूनी कान के शिगाफ पाए जाते हैं। डॉल्फिन के दांत गिजा को चबा नहीं सकते। आप तस्वीर में देख सकते हैं कि डॉल्फिन के दांत जो है वो नज़र आ रहे हैं, लेकिन वो चबा नहीं सकते। ठीक है, ये उसको अपना दफा करने और शिकार पकड़ने में मदद देते हैं, मतलब बचाव करने में और शिकार पकड़ने में। और पानी में आवाज़ की लहरों को उसकी अंदरूनी कान तक पहुंचाते हैं। इस तरह डॉल्फिन किसी चीज़ का सही मकाम मालूम कर लेती है। उसके छूने की हिस बहुत तेज़ है, लेकिन सूंघने की कुव्वत बहुत कम होती है। उसकी गिज़ा मछलियाँ, झींगे और दूसरे आबी जानदार हैं। यहाँ तस्वीर में बताया गया है उसकी गिज़ा क्या है। झींगे, मछलियाँ और समंदर में पाए जाने वाले आबी जानदार हैं। डॉल्फिन एक बहुत ज़हीन जानवर है। उसका दिमाग इंसान के दिमाग से बड़ा होता है। डॉल्फिन ग्रुप में रहना पसंद करती है। ग्रुप में यानी जिस तरह इंसान जो है वो ख़ानदान में अपने लोगों के साथ रहना पसंद करता है,
बिल्कुल उसी तरह डॉल्फिन भी ग्रोह में रहना पसंद करती है। उनका एक ग्रोह 2 तक 40 डॉल्फिनों पर मुश्तमिल होता है, लेकिन कभी कभी उनकी तादाद सैकड़ों तक पहुंच जाती है। ठीक है, आप यहाँ तस्वीर में देख सकते हैं, डॉल्फिन अपने बच्चों और ग्रोह से सीटी के ज़रिए रब्त रखती है। रब्त रखना यानी ताल्लुक रखना। साइंसदानों के मुताबिक हर डॉल्फिन की सीटी ग्रोह की दूसरी डॉल्फिन से मुख्तलिफ होती है। वो कई किस्म की आवाज़ें निकाल सकती है, इंसान की तरह हंस सकती है, सीटी बजा सकती है, शिकार का पीछा करते हुए गुर्राती है, शिकार पर काबू पाने पर खुशी से म्याओं की आवाज़ निकालती है। देखा आपने, जब वो अपने शिकार पर काबू पा जाती है यानी पकड़ लेती है तो खुशी में कैसी आवाज़ निकालती है, म्याओं। नेज दुश्मन को डराने के लिए ऊंची आवाज़ में भी चिल्लाती है। डॉल्फिन कई बार ऐसी आवाज़ें भी निकालती हैं जैसे कोई आदमी ज़ोर ज़ोर से बोल रहा हो। आदमी जब पलट कर देखता है तो किसी को ना पाकर हैरान रह जाता है। प्यारे बच्चों, आगे चलते हैं। आप देख सकते हैं कि डॉल्फिन किस तरह ग्रोह में रहना पसंद करती है जिसकी तादाद 40 तक सैकड़ों तक पहुंच जाती है। चलिए आगे देखते हैं। डॉल्फिन और इंसान की दोस्ती के बहुत से वाक़यात मशहूर हैं। कदीम कहानियों और तस्वीरों में जो इशारे मिलते हैं उनसे ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज से 2500 साल पहले भी डॉल्फिन इंसानों से दोस्ती करने की आरजूमंद रहती थी। एक मर्तबा एक आदमी शार्क मछली के घेरे में आ गया। आपने शार्क मछली ज़रूर देखी होगी। शार्क उसको उसके टुकड़े करने ही वाली थी कि वहाँ कुछ डॉल्फिनें पहुँच गई। उनमें से एक ने उस आदमी को शार्क के चुंगल से छुड़ाकर अपनी पीठ पर बिठा लिया और तेज़ी से किनारे पर पहुँचा दिया। आदमी जैसे ही उसकी पीठ से उतरा, डॉल्फिन समंदर में गायब हो गई। तो प्यारे बच्चों, इस तरह डॉल्फिन जो है वो इंसानों की मदद करती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि इंसान जो है उसे ट्रेनिंग दे सकता है और वो अलग अलग करतब दिखाती है, प्यार का इजहार करती है। आप यहाँ देख सकते हैं उसके सर पर एक सुराख है जिससे वो सांस ले सकती है। यहाँ एक मछली जो है वो मुस्कुराती हुई भी नज़र आ रही है। चलिए बच्चों, आगे चलते हैं हम। एक दफ़ा की बात है, फ्लोरिडा अमेरिका के समंदरी किनारे से एक खातून को समंदर की ज़बरदस्त लहरें बहा कर ले गई। कुछ लम्हों तक उसने अपनी जान बचाने की कोशिश की। अचानक उसे ऐसा लगा जैसे कोई गिलगिली सी चीज़ उसे किनारे की तरफ ढकेल रही है। गिलगिली यानी नरम चिकनी जैसी। उसे समझ में नहीं आया कि वो क्या है। थोड़ी देर बाद उस खातून ने अपने आप को किनारे पर पाया। बाद में उसने पीछे मुड़कर देखा तो एक चमकदार शय उसे तेज़ी से समंदर में गायब होती नज़र आई। कौन हो सकता है वो? हाँ बच्चों, वो थी डॉल्फिन। एक आदमी ने जो उस सारे वाक्य को देख रहा था बताया कि वो डॉल्फिन थी। तस्वीर में आप देख सकते हैं। चलिए हम आगे चलते हैं। अब डॉल्फिन ने कई जहाज़ों को चट्टानों से टकराने से बचाया और उन्हें सही राह दिखाई। देखा बच्चों, इस तरह से डॉल्फिन जो है हमेशा इंसानों की मदद भी करती आई हैं। डॉल्फिन के ग्रोह मछलियां पकड़ने में माहीगिरों की मदद भी करते हैं। उनके ग्रोह मछलियों को घेर कर माहीगिरों के करीब ले आते हैं और फिर ये अपने सर और दुम की हरकत से माहीगिरों के जाल खोलने का इशारा करते हैं। तकरीबन 50 बरस कबल
न्यूजीलैंड के एक जजीरे पर बसे गांव में एक डॉल्फिन समंदर के किनारे आई और पानी में खेलने लगी। बच्चों ने उसके करतबों को पसंद किया और डॉल्फिन से उनकी दोस्ती हो गई। वो बच्चों को अपने पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर कराती। वो उन बच्चों के साथ खेलती। उसे रंग बिरंगी गेंदों से खेलना अच्छा लगता है। जब कोई गेंद उसके पास फेंकी जाती तो वो उसे अपनी थोथनी या दुम से हवा में उछालने की कोशिश करती। और एक बात कि डॉल्फिन को गुस्सा बहुत कम आता है और उसे खेलना, कूदना और छेड़छाड़ करना बहुत अच्छा लगता है। प्यारे बच्चों, ये एक ऐसी मखलूक है जिसमें मिलनसारी है, मदद करने का जज्बा है, इंसानों से दोस्ती करना, अपनी पीठ पर बिठाकर समंदर की सैर करवाना, मुश्किल वक्त में साथ देना, रंग बिरंगी गेंदों से खेलना, कूदना और करतब दिखाना, छेड़छाड़ करना डॉल्फिन को अच्छा लगता है। इसीलिए सभी छोटे बड़े डॉल्फिन को बहुत पसंद करते हैं। क्या आप भी डॉल्फिन से दोस्ती करोगे? ज़रूर। चलिए मज़ीद मालूमात हासिल करते हैं। डॉल्फिन समंदर के मुताल्लिक तहकीक करने वालों की भी मदद करती है। चुनांचा 1960 में जब अमरीकी साइंसदानों ने समंदर की तहकीक शुरू की तो एक डॉल्फिन ने उनकी काफ़ी मदद की। साइंसदानों ने गहरे पानी में एक तजुर्बागाह बनाई थी। जब कभी साइंसदान रास्ता भूल जाते, डॉल्फिन उन्हें तजुर्बागाह तक पहुंचाती। कभी कभार वो साइंसी आलात भी तजुर्बागाह तक ले जाती थी। गर्स डॉल्फिन कुदरत की ऐसी मखलूक है जिसे मिलनसारी और इंसान दोस्ती की वजह से छोटे बड़े सब पसंद करते हैं। आप देख सकते हैं कि किस तरह डॉल्फिन जो है साइंसदानों को तजुर्बागाह तक ले जाती थी। चलिए अब हमारा लेसन ख़त्म होता है। अब हम पढ़ेंगे अल्फाज पानी। यहाँ पर अल्फाज दिए गए हैं थोथनी। हमने सबक के दौरान आपको इनके मानी बताए थे। थोथनी आगे निकला हुआ मुंह, दफा बचाव, रब्त ताल्लुक, गिलगिली नर्म चिकनी, तहकीक सही इल्म या मालूमात हासिल करना, खोज करना, मिलनसारी मेलजोल। प्यारे बच्चों, एक बार फिर हम पढ़ लेते हैं। थोथनी आगे निकला हुआ मुंह, दफा बचाव, रब्त ताल्लुक, गिलगिली नर्म चिकनी, तहकीक सही इल्म या मालूमात हासिल करना, खोज करना, मिलनसारी मेलजोल। प्यारे बच्चों, अब हम आगे चलते हैं। हमें यहाँ पर एक जुमले में जवाबात लिखने हैं। पहला सवाल है, मछली के बारे में कौन सी बात मशहूर है? हमने सबक के शुरू में ही पढ़े थे, मछली के बारे में ये बात मशहूर है कि वो इंसान के बू पाते ही गहरे पानी में चली जाती है। दूसरा सवाल है, डॉल्फिन किस तरह सांस लेती है? जवाब है, डॉल्फिन के सर पर एक सुराख होता है जिससे वो सांस लेती है। डॉल्फिन के दांत उसकी किस तरह मदद करते हैं? डॉल्फिन के दांत उसको अपना दफा करने और शिकार पकड़ने में मदद करते हैं। आई बात समझ में? हमने आपको उसका मतलब बताए थे, दफा यानी बचाव करने में और शिकार पकड़ने में उसकी मदद करते हैं। चलिए चौथा है, डॉल्फिन कौन सी बात पसंद करती है? डॉल्फिन ग्रुप में रहना पसंद करती है। जवाब है, डॉल्फिन ग्रुप में रहना पसंद करती है। पांचवा है, डॉल्फिन के तमाम आदतें और खसूसियात किससे मिलती हैं?
सवाल है डॉल्फिन के की तमाम आदतें और खसूसियात किससे मिलती हैं। अभी हमने सबक में देखे और उसके ताल्लुक से मालूमात भी हासिल की। तो जी हाँ बच्चों, आप अच्छी तरह जान गए होंगे कि डॉल्फिन की तमाम आदतें और खसूसियात किससे मिलती हैं, इंसान से मिलती जुलती है। बिल्कुल सही। अब आगे देखते हैं सबक की मदद से मुख्तसर और मुफस्सिल जवाब आपको मुकम्मल करना है और अपनी कॉपी में लिखना है। खुशखत लिखने के बाद आप अपने टीचर से चेक करवाएंगे। आखिर में आपको एक सरगर्मी दी जा रही है, तमाम बच्चों को ये सरगर्मी करना है। देखते हैं इसमें क्या लिखा है। मुख्तलिफ समंदरी जानवरों की तस्वीरें जमा कीजिए, उनकी मालूमात भी हासिल कीजिए और अपनी बयाज में चस्पा कीजिए। तो प्यारे बच्चों, इस तरह हमारा सबक यहाँ पर मुकम्मल होता है। फिर आपसे मिलेंगे हम अगले सेशन में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। बड़े बच्चों, उम्मीद है आपको आज का लेसन अच्छा लगा होगा और आपने मालूमात हासिल की हो। आपने जो भी समझा है और आपको जो भी काम दिया गया है उसे पूरा कीजिए, अपने क्लास टीचर से चेक करवाइए और हम मिलते हैं अगले सेशन में।